फ्रेंड्स, अगर आपको देसी स्टाइल में बेसन का नमकीन बनाना है तो उसके लिए आप पानी में थोड़ी सी मिर्च और जीरा और काली मिर्च को भिगो के रख देना। फिर इसके बाद बेसन को निकाल लेना। बेसन को निकालने के बाद अगर आपने मेजरमेंट के लिए 5 कटोरी बेसन लिया है तो उसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च मिला के फिर मोवन के लिए सरसों का तेल डालेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। सरसों का तेल डालने से बेसन का नमकीन बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बनता है। तो अगर 5 कटोरी बेसन लिया है तो उसमें 2 कटोरी बेसन का सरसों का तेल डालना है। जो आपने सबसे पहले मिर्च और जीरा भिगो के रखा था उसको जो भी आप पीस लेना है, पीसने के बाद में फिर इसके बाद बेसन में मिला देना है। अच्छे से सारी चीज़ें बेसन में मिला के काफ़ी देर तक इसको मिक्सर को मिलाना है। जब अच्छे से मिल जाएगा ना तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। जब काफ़ी दोनों हाथों से रफ करने के बाद धीरे धीरे दोनों हाथों से इसको 5 मिनट तक मिलाना है। जब आपको लगे कि ये मिल गया है तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथ लेना है। गूंथने के बाद में कम से कम आपको आधे घंटे तक इसको रख लेना है। रखने के बाद में अपने देसी स्टाइल में जैसे कढ़ाई में सरसों का तेल या रिफाइंड में बनाना चाहे तो उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन अगर सरसों के तेल में बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद आप मेरे यहाँ तो हाथे से देसी स्टाइल में बनाते हैं इसलिए मेरे यहाँ जो नमकीन बनता है वो टाइट बनता है। अगर आप देसी स्टाइल में हाथे से नमकीन को बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगी। इसलिए हम